हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपके साथ एक ऐसी एनएलपी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने फियर को या अपने डाउट को कॉन्फिडेंस में चेंज कर सकते हैं। दैट मींस अगर आपको जिंदगी की किसी सिचुएशन को फेस करने में डर लग रहा था या आपका कॉन्फिडेंस लो था, तो उसी सेम सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंस को प्लांट कर सकते हैं, उसी सेम सिचुएशन में आप ज्यादा स्ट्रांग पर्सन बन सकते हैं, राइट? लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब ध्यान से समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो पाएगा। उसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि दो पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में सक्सेस क्रिएट करने के लिए, रिजल्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आप कल को कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन ही ना। अब अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, आपने कॉन्टेंट्स ही तैयार नहीं किए हैं, आपने स्टडीज ही नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि आपको डर लगेगा और उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि अगर वो होने के बावजूद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो वही बात होगी कि व्हाट यू विल गेट बाय मोटिवेटिंग एन इडियट एंड मोटिवेटेड इडियट। तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि आपको स्किल्स तो चाहिए होंगी, आपको वो कॉन्टेंट तो चाहिए होगा, आपको वो नॉलेज तो चाहिए होगी, लेकिन उसके होने के बावजूद मैक्सिमम लोग जाके वहां पे भूल जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते, अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाते, अच्छा वाइवा नहीं दे पाते। ये सब क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे वो अपनी स्टेट लूज कर जाते हैं, यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट को लूज कर जाते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज में चले जाते हैं, जहां पे वो फियर में आ जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो क्या करना है? अगर आपके पास स्किल सेट तो तैयार है, आपका नॉलेज बेस तो है रेडी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके लिए मैं आपको एक बहुत क्विक टेक्निक बताता हूं। आप और भी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे चैनल पे, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस को अगर सर्च करेंगे तो आपको कुछ और वीडियोस मिलेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली एक क्विक टूल देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या करना है। आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि मानो कि अभी आप उस सिचुएशन को फेस करने जा रहे हैं जिसमें आपको डर लग रहा था। वो कोई इंटरव्यू हो सकता है, वाइवा हो सकता है, वो कोई बिजनेस की सिचुएशन हो सकती है, जैसे मे बी आप सेल्स के लिए जा रहे हैं, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, या कोई भी और सिचुएशन है। अब आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करना है, और जब आप इमेजिन करेंगे उस सिचुएशन को, तो जाहिर सी बात है कि अगर अंदर अनइजीनेस है तो वो अनइजीनेस ट्रिगर होगी, वो अनइजीनेस फील करना आप शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको आंखें खोलनी है, आपको चारों तरफ देखना है, अब की बार आपको एक गहरी सांस लेनी है, अपने शोल्डर्स को वाइड करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, अपने शोल्डर्स को वाइड करना है, अपने चेस्ट को अप करना है, और आप एकदम स्ट्रांग पर्सन की तरह ऐसे खड़े हो जाए, मानो कि आपके लेग्स रूटेड है, यानी कि आपके पैर एकदम जमीन में जमे हुए हैं अंगद की तरह, राइट? आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, अपने चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी स्माइल रखनी है, और अब आपको विजुअलाइज करना है कि आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ, और आपको विजुअलाइज करनी है वो चीजें। चाहे तो आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं या खुली आंखों से कर सकते हैं, दोनों ही आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करेगा। और आपको विजुअलाइज करना है उस सिचुएशन को वैसे अनफोल्ड होता हुआ जैसे आप अनफोल्ड करना चाहते हैं। दैट मीन्स जो रिजल्ट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स को क्रिएट होता हुआ देखिए, और आप ये देखिए कि कैसे आप उस प्रोसेस को जी रहे हैं। दैट मींस अगर आपको एग्जामिनेशन देना था, आपको इंटरव्यू देना था, तो आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करके जा रहे हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं, कैसे आप स्माइल करते हुए क्वेश्चंस को सुन रहे हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, और कितना थैंकफुल है आप अपने माइंड के लिए, क्योंकि वो आपको सही रिस्पॉन्सेज दे रहा है। जैसे ही आप ये विजुअलाइजेशन करना शुरू करेंगे, और आप ये विजुअलाइज करिए एंड तक, दैट मींस कि आपका वाइवा इंटरव्यू या जो भी वो सिचुएशन हुआ, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और आप वहां एक स्माइल के साथ उस हॉल को लीव कर रहे हैं और वहां से बाहर आ रहे हैं। अब जब आप ऐसा विजुअलाइज करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर न्यूरल पाथवे बनना शुरू होते हैं, यानी आपके माइंड के अंदर न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं, न्यूरॉन्स को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि माइंड के लिए विविडली इमेजिन्ड किसी चीज और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आपने एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर ली है जिसमें आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब आप इस विजुअलाइजेशन को कुछ बार रिपीट कर लेंगे, तो आपका माइंड इसे कॉन्क्रीट रियलिटी की तरह ले लेगा, यानी कि स्किल सेट तो आपके पास ऑलरेडी तैयार था, आपको वो माइंडसेट भी दे देगा, जिस माइंडसेट में आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाएंगे, दैट मींस अपना बेस्ट आउटपुट आप वहां पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इस तरीके से आपकी जिंदगी में वो जो आपका फियर था या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाएगा।
तो ये विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको आप ट्राई करना शुरू करिए। फिर मैं वही बात कहूंगा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्ट, अगर आप समझना चाहते हैं तो एक्ट करके देखिए। इस एक्सरसाइज को आप किसी भी उस सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं जिस सिचुएशन में आप फियर में चले जाते थे या लैक ऑफ रिसोर्सेज में चले जाते थे। चाहे वो सिचुएशन कुछ भी हो, उस सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करता हुआ देखिए और आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, और जब आप विजुअली इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको कैसी फीलिंग आ रही है, और लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।